तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि बाजारों में रौनक देखी जा रही है। दरअसल देश विदेश में मशहूर गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा चुके हैं। बाजारों में रंगीन रोशनी देखने के लिए शहरवासी उमड़ रहे हैं। वहीं हेरिटेज लुक के लिए पहचान रखने वाले इस जयपुर शहर में हेरिटेज बिल्डिंग भी रंगीन रोशनी से चमचमा रही है। बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए लोग बाजार में उमड़ रही है, यानी कि बाजारों में मिठाई की दुकान से लेकर पटाखे और दियों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं लोग घरों में सजावट का सामान भी खरीद रहे हैं। बाजार में दिवाली के त्योहार को देखते हुए काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में भले ही भीड़ हो, लेकिन दिवाली की चमक लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं बाजार रात में चमचमा रहे हैं। शहर में हुई लाइटिंग भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल को बनाने के लिए और मारवाड़ की सीट को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर के बायतू में कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तैयारी पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत की साख को बढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर जिले को कार्यक्रम सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। चौधरी ने बताया कि पीएम 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे बायतू पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में आपको दिखाई पड़ेंगे। कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे राजस्थान में कई जगह पर नरेंद्र मोदी जी की सभाओं की डिमांड थी, लेकिन 3 जगह पर जो परमिशन मिली उनमें से एक बाड़मेर जिले के अंदर बायतू विधानसभा के अंदर का है, क्योंकि ये सेंटर के अंदर आता है। पिछले 2 बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की ये सभा रखी गई है, जो बायतू के अंदर ये 15 तारीख को दोपहर में 2 बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे, और उसको लेकर बाड़मेर और की जनता के अंदर बहुत भारी उत्साह है। और अब बात बारा जिले के अट्रू थाना क्षेत्र की, जहां पर एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। शुक्रवार को सहरोद में पीएससी के समीप रास्ते में पानी से भरे गड्ढे में ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर पलट गया, जिसे ट्रैक्टर सवार पिता पुत्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए। इस दौरान चीख पुकार सुनकर आसपास के मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे पिता पुत्र को बाहर निकाला। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर घायल पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर गाँव में मातम सा छा गया है। और इस बीच में कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ आरपीएफ का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। आरपीएफ ने 23 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। 1 लाख से ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि आरोपी अभी पुलिस के दबिश में नहीं आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोटा से 23 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। और खबर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, क्योंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार दिवाली और शादियों के सीजन पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर व्यावर और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉक्टर एके पिंगोलिया के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 300 किलो पुरानी खराब हो चुकी तिलपट्टी और बिना डेट यानी खजूर वाली 400 किलो गजक सीज कर दी गई, जिसे दिवाली के त्योहार पर रिस्पांस
जिसे दिवाली के त्यौहार पर रीप्रोसेस करने का अंदेशा होने पर नष्ट कराया गया है। और अब खबर जैसलमेर से है, क्योंकि जैसलमेर पुलिस ने प्रसिद्ध देवराय मंदिर की चोरी होने के 10 दिन बाद पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि तीनों ही चोर बालोतरा के निवासी हैं। तीनों के पास से 7 चांदी के छत्र और चोरी में इस्तेमाल हुई एक कार भी बरामद की है। पुलिस सीओ प्रियंका कुमावत ने बताया कि तीनों ही चोर आला दर्जे के मुजरिम है और उन पर पहले से ही काफी मुकदमे दर्ज है। वहीं प्रियंका कुमावत ने बताया कि पकड़े गए चोर अपने नशे और शौक मिजाज के लिए चोरी करते थे। थाना अधिकारी आदेश जी और डीसीआरबी प्रभारी भीमराव, इन लोगों की टीम ने काफी अथक प्रयास करे और विभिन्न तरीकों से तकनीकी और आसूचना के माध्यम से काफी सूचनाएं कलेक्ट करके फाइनली तीन आरोपियों को इसमें दस्तयाब किया और उसके पश्चात उनके साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। और शुक्रवार को हुई बारिश के बाद जहां श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, वहीं शहर की हवा भी स्वच्छ हुई है। एक्यूआई का स्तर अब 161 दर्ज किया गया है और हमारे इस श्रीगंगानगर में एक्यूआई के स्तर को लेकर और वातावरण को लेकर इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में कल शुक्रवार की सुबह हुई कुछ मिलीमीटर बारिश के बाद ही जहां श्रीगंगानगर वासियों को घने स्मोक से राहत मिली, तो श्रीगंगानगर की आबोहवा की स्थिति भी लगातार बेहतर हो रही है। श्रीगंगानगर का AQI इस समय 161 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे AQI से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। यानी कि श्रीगंगानगर की आबोहवा में कल से ही सुधार देखा जा रहा है और ये सुधार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जिला मुख्यालय का आसमान इस समय पूरी तरह से साफ है, कहीं पर भी कोई स्मॉग नजर नहीं आ रहा है और यही एक वजह है कि इस समय श्रीगंगानगर वासियों को इस समय अच्छी खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले तक जिस तरह से स्मॉग की वजह से जो विजिबिलिटी छाई हुई प्रभावित हो रही थी, वो विजिबिलिटी अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सूर्यदेव के भी अच्छे खासे दर्शन हो रहे हैं। सुबह का लगभग 8:30 बजे का ही वक्त है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सूर्यदेव ने भी अच्छे खासे दर्शन दे दिए हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चूँकि जैसे जैसे स्मॉग की क्वांटिटी कम होती गई, वैसे वैसे सर्दी का भी आगमन शुरू हो चुका है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यदि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिलती है, हल्की बारिश या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो AQI और ज़्यादा गिरेगा और श्रीगंगानगर वासियों के लिए ये खबर काफ़ी अच्छी खबर साबित होगी, क्योंकि फौरी तौर पर जिस तरह से पिछले 24 घंटे के दौरान ही AQI 350 से गिरकर 150 के आसपास पहुंच गया, उसे श्रीगंगानगर वासियों को अच्छी खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी एक सप्ताह के दौरान, जैसा कि मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है, कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में एक हल्का कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ मारो राज्य।